हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही इजी तरीके से बनाना है, बस 5 मिनट में हो जाती है। सबसे पहले तो हम पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसको तेल में तल लेंगे। हरी मिर्च मसाले में हम डालने वाले हैं हरी मिर्च, लहसुन की 5 कलियाँ, अदरक के 3 टुकड़े, कड़ी पत्ता, बड़ा सा प्याज, छोटा टमाटर और ये 4 से 5 बादाम लिए। ये इसके बदले आप काजू भी डाल सकते हो, या जो रोस्टेड चना दाल आती है डालवा जिसे बोलते हैं, या फूटानी डाल सकते हो, और हरा धनिया। अब लेना है मिक्सर जार, इसमें डाल देना है बादाम, कटे हुए टमाटर, टमाटर से टेस्ट बहुत अच्छी आती है, बड़ा वाला प्याज, इसमें जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बनेगी अच्छे से। हरी मिर्च को हम तोड़ के डालेंगे इस तरह से, कड़ी पत्ता, लहसुन और अदरक के टुकड़े हम मिक्सी में अच्छे से बारीक करके लेंगे। एकदम बारीक पेस्ट बनानी है। पनीर के टुकड़े कर लेंगे इस तरह से, अब इसको हम तेल में तल लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। जैसे गर्म हो गया है अब इसमें हम पनीर के टुकड़े डालेंगे, एक एक करके डालना है। धीमी आंच पर करना है इसे इस तरह से। इसे 1 मिनट तक तल लेना है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, इस तरह से हम इसको तल लेंगे। पनीर का जो कलर है वो चेंज नहीं होने देना, बस इसी तरह से निकालना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये तो पनीर जो है कड़क हो जाते हैं इस तरह से। अब इसी में हम डाल देंगे मसाले। अब इसी तेल में हम डालेंगे सरसों और जीरा, इसको अच्छे से परख लेंगे। और जो हमने मिक्सी में बारीक ग्रेवी निकाली है वो भी इस पे डाल देंगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन और बादाम और कड़ी पत्ता। अब इसको अच्छे से होने देना है ब्राउन होने तक, इस तरह से ग्रेवी को अच्छे से ब्राउन करके लेना है, ताकि प्याज और टमाटर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। मसाला जो है अच्छे से हो रहा है, ये देखो साइड से तेल भी छूट रहा है। अब डालना है इसमें ड्राई मसाले, नमक स्वादानुसार डालना है, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये थोड़ा तीखा वाला है ये 2 चम्मच है, और 1 चम्मच थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है, यह है धना पाउडर, और ये है ग्रेवी मसाला जो मैं घर पे बनाती हूँ और सेल करती हूँ। अब इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम ग्रेवी मसाला और ये बाकी के मसाले, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही तेल डाला है, ये देखो कम तेल में भी सब्जी अच्छी होती है। अब इसमें डालेंगे गरम पानी। अब सबसे पहले हम गरम पानी डालेंगे, 1 चम्मच डालना है सबसे पहले। अब ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करके लेना है, ये देखो ग्रेवी ने पानी पूरा सोख लिया है। और एक बार इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जो हमने ग्रेवी मसाला डाला है वो अच्छे से गाढ़ा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अगर आप एक साथ पानी डाल दोगे तो जो सब्जी है अच्छे से गाढ़ी नहीं बनेगी, इस तरह से। और एक बार पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसी तरह से। अब ग्रेवी को है इसी तरह से होने देना है। अब ग्रेवी को अच्छे से तेल छूट गया है, अब इसमें हम
जो पानी है जितना चाहे डाल सकते हैं अपने अंदाज से इस तरह से। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो अच्छे से कलर भी आ गया है और तेल बहुत कम था तब भी सब्जी अच्छे से दिख रही है अभी कलर में। तो सब्जी अच्छे से उबल रही है। अब इसमें डाल देंगे हम पनीर के टुकड़े जो हमने काट कर और तल के लिए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसको ढक्कन रख के अच्छे से होने देंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से एक पनीर का टुकड़ा साइड में रख दिया था, अब इस पे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।